हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साई किचन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज साई किचन में मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आपने वैसे तो पिज़्ज़ा गोल गोल खाया होगा, ट्रायंगल शेप में कट करके खाया होगा, पर ऐसे कभी नहीं खाया होगा जैसे मैं बनाई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे स्टाइल से एक बार पिज़्ज़ा बना के देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने ये 4 टेबलस्पून गरम पानी लिया है। गरम पानी मतलब एकदम हल्का गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच शुगर यानी शक्कर और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करना है कि ये पूरा डिसॉल्व हो जाए। उसके बाद उसमें 1.5 चम्मच आपको ईस्ट पाउडर डालना है। मैंने ड्राई ईस्ट लिया है और इसे आपको मिक्स करना है। उसके बाद इसे ढककर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए आपको इसे रख देना है। तो जब तक इसमें खमीर उठेगा तब तक हम सब्जियां रेडी कर लेते हैं। तो ये सब्जियां मैंने ली है, मैंने पहले से ही कटिंग करके रखा है। ये है 1 बारीक कटा हुआ गाजर, 100 ग्राम बारीक कटा हुआ पनीर और 1 मीडियम साइज़ बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और ये है 1 मीडियम साइज़ बारीक कटा हुआ प्याज और ये 4 लौंग लहसुन के बारीक कटे हुए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने महीन महीन कट कर लिया है और ये है 2 मीडियम साइज़ कटे हुए टमाटर और ये है उबले हुए मकई के दाने। तो आइए पहले आपको कढ़ाई गरम करनी है और उसमें 2 टेबलस्पून बटर डालना है और गैस का फ्लेम लो रखना है। उसके बाद उसमें लहसुन और अदरक के बारीक कटा हुआ लहसुन अदरक डालिए और फिर उसे 1 मिनट तक भूनना है। फिर उसमें टमाटर डालिए बारीक कटा हुआ और फिर इसे ढक कर तकरीबन 2 मिनट तक पकने दीजिए। आपको इसे इतना पकाना है कि ये अच्छी तरह से गल जाए, ये बहुत ही आसानी से गल जाते हैं। उसके बाद उसमें पूरी सब्जियां जो हमने कट करके रखी है वो सारी इसमें डाल दीजिए और फिर सब्जियों को मिक्स कीजिए और उन्हें भूनिए, कम से कम 1 मिनट तक भूनिए। उसके बाद उसमें जो पनीर था हमने कट करके रखा था, 100 ग्राम पनीर डालिए, स्वादानुसार नमक डालिए। इसमें 1 चम्मच सेजवान चटनी डालना है और 4 बड़े चम्मच आपको टमाटो सॉस डालना है और गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है, सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। और ये है मकई के उबले हुए दाने, ये फ्रोज़न वाला स्वीट कॉर्न है, मैंने इसे बॉईल करके डाला है और आप गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये देखिए हमारा ईस्ट बिल्कुल इसमें खमीर आ चुका है, देखिए फूल के ऊपर आ चुका है। अब हम डो रेडी करेंगे। इसके लिए आपको 1.5 कप आटा लेना है, 1 हल्का नमक डालिए और इसे मिक्स कर लीजिए और ये है खमीर हमारा, ये इसमें डाल देना है आपको ईस्ट और फिर आटा मिक्स करना है। सॉफ्ट डो आपको रेडी करना है, आप चाहे तो पानी का यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। मैंने इसमें प्योर गेहूं का आटा यूज़ किया है, आप आटे की जगह पे मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपका डो रेडी हो जाए तो फिर इसमें 1 से 2 चम्मच आपको ऑलिव ऑयल डालना है और फिर इसे अच्छे से गूंदना है, कम से कम 15 मिनट तक आपको आटे को गूंदना है और ये रेडी हो चुका है, एकदम सॉफ्ट डो रेडी हो गया है। अब इसे ऊपर से तेल लगाकर इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख दीजिए। 1 प्लेट में आपको 1 चम्मच आटा और 1 चम्मच सूजी लेना है। सूजी जो आप लेते हैं वो बिल्कुल महीन वाली सूजी होनी चाहिए, मोटी वाली नहीं। उन दोनों को मिक्स करके रख लीजिए और ये हमारा आधे घंटे के बाद देखिए आटा ये भी फूल कर पूरा मोटा हो चुका है। आपको इसे वापस गूंदना है थोड़ा सा और फिर जो हमने आटा सूजी और आटे का जो हमने डस्टिंग रेडी किया था वो आप डालिए और ये आटे की आपको सेम साइज़ की गोले बना लेना है।
गोले कट करके आप ऐसे बना लीजिए उसको गोल गोल, उस पर थोड़ा सा ऑयलिंग करके इसको ढक कर रखिए ताकि ये सूखे नहीं। उसके बाद एक लोई लीजिए और आटे की डस्टिंग कीजिए उस पर, और इसको आपको बेल लेना है। इसे आपको रेक्टेंगुलर शेप यानी आयताकार बेलना है, गोल नहीं बेलना है। ये देखिए इस तरह से आपको बेल के रेडी करना है। उसके बाद जो हमने स्टफिंग रेडी की है वो आपको इस पर फिल करना है। आप देखिए मैंने बिल्कुल सेंटर में स्टफिंग डाला है, साइड साइड से आपको जगह छोड़ना है। और इसके ऊपर चीज़ आप ग्रेट करके डालिए कद्दूकस करके, आपको जितना चीज़ पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। उसके बाद साइड साइड से आपको स्ट्रिप्स कट करनी है। और ध्यान से देखिए मैं किस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ। ये देखिए पहले आपको सेंटर से फोल्ड करना है, फिर साइड साइड से दोनों स्ट्रिप्स लेना है और उनको एक के ऊपर एक रखते जाना है। ये चोटी नुमा डिज़ाइन पिज़्ज़ा को एक नया लुक देता है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है ये। तो ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे एक पैन जो होता है उसे ग्रीस करेंगे और उसमें ये रखेंगे, माइक्रोवेव का पैन है ये, और ऊपर से हम पिज़्ज़ा को भी ग्रीस करेंगे और फिर उसे 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। बेक करने के बाद इसका लुक इस तरह से हो जाता है। आप देख सकते हैं चीज़ मेल्ट होके बाहर निकल रहा है। ये देखिए ये बहुत ही यमी लुक दे रहा है, आपको इसे खाकर मज़ा आ जाएगा। मैं तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये बहुत यमी होता है, बच्चों का तो ये फेवरेट होता है। आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिए, बच्चे तो छोड़िए साथ में बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप ज़रूर से इसे घर पर ट्राई कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। साथ में मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।